जूते वूते तो अब सिकर आने के बाद में पहनने लगे, पहले तो ऐसे ही चप्पलों में। तब उन्होंने कहा मतलब मेरी तो एक ही ख्वाहिश है बस, वो शादी के नाम के आगे कॉस्ट कहना वो भरना चाहिए। ताल छापर जो फेमस है, कितने प्रकार के हिरण आपने अब तक देख लिए हैं? पहले छोटा भाई ने सोच रखा था कि 12th पास करके आया कोई डिफेंस में जाऊंगा और आर्मी ज्वाइन कर लूंगा जी। बोला कि अब तुम्हें भी नीट की तैयारी करूंगा। नमस्कार, नीट अचीवर्स की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है और आज हमारे बीच में नीट अचीवर्स दो बच्चे हैं। दयाशंकर प्रजापत कातर छोटी से, जिसने 655 अंक का स्कोर हासिल किया है, और दूसरा राहुल चौधरी पलसाना से, जिसने 641 का स्कोर हासिल किया है। दोनों ही विद्यार्थियों ने पीसीपी में कक्षा 11वीं 12वीं अध्ययन किया और उसके बाद टारगेट कोर्स किया। तो सबसे पहले अपन चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं, दयाशंकर की तरफ। दयाशंकर, आप बताएं, सबसे पहले आप अपने और परिवार के बारे में बताएं और पीसीपी तक कैसे पहुंचे ये बताएं। मेरा नाम दयाशंकर प्रजापत है, मेरे पापा का नाम श्रीमान गोपालाराम जी प्रजापत है। और पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी गांव में दुकान चलाते हैं, कपड़े की दुकान है, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और घर में छोटी मोटी सिलाई कर लेती है बस। बहुत बढ़िया। और मेरा भाई है, बड़ा भाई है मेरे से, वो एसएससी की तैयारी करता है। प्रिंस सिकर से ही पढ़ के गया था 12th में 93% के साथ में, अभी एसएससी की तैयारी कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो दयाशंकर बताएं कि कातर छोटी से पीसीपी तक कैसे पहुंचे आप? कातर छोटी में हमारे मतलब मेरे पापा के जानकार थे, वो सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे गोर्दन सांखला जी। जी गोर्दन जी सांखला कातर छोटी कोठियारी वाले। हाँ जी, वो जोगेंद्र जी सर के साथ में सह पार्टी रह चुके हैं पहले, इसलिए उन्होंने कहा कि आप प्रिंस सीकर में इसका एडमिशन करा दो, वहाँ पे नीट की तैयारी कर ले गए और डॉक्टर बन जाएगा जी। तो अगला संवाद राहुल से। राहुल ने पलसाना के पास ही सामोता का बास के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से 10वीं की, और स्कूल के डायरेक्टर जगदीश जी मालिक के रेफरेंस से सुझाव पे राहुल पीसीपी में आया। राहुल, अपने और परिवार के बारे में बताएं। मेरा नाम राहुल चौधरी है, मेरे पापा जी का नाम ऋषपाल सिंह है, किसान है, मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे ताऊ जी आर्मी में सूबेदार है, एक ताऊ जी है जो आर्मी में मेजर है। फौजी माहौल भी है परिवार में? फौजी माहौल है जी। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दयाशंकर से। कातर छोटी के पास कई ताल छापर जो फेमस है, कितने प्रकार के हिरण आपने अब तक देख लिए हैं? वहाँ पे सर मेन तो काले हिरण पाए जाते हैं, वो ऐसे प्रसिद्ध है काले हिरणों के लिए जी। जी, और वैसे वो नीलगाय वगैरह वैसे घूमते रहते हैं, वो बारासिंगा वगैरह वो भी घूमते रहते हैं वहाँ पे। तो कोई वो सफारी वाली गाड़ियाँ भी हैं वहाँ घूमने के लिए? वैसे ही आप तो पैदल ही दौड़ लगाते थे। हम तो सर गाँव के वैसे पैदल ही दौड़ लगाते थे। तो जूतों में दौड़ लगाते थे या नंगे पाँव ही दौड़ लगा डालते थे? जूते वूते तो अब सिकर आने के बाद में पहनने लगे, पहले तो ऐसे ही चप्पलों में दौड़ लगा देते थे। तो नेक्स्ट दयाशंकर बताएं, एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ संवाद में मेरे सामने आई। दादाजी ने आपको कोई स्पेशल टारगेट दिया कि परिवार में अभी तक कोई जॉब में नहीं है, वो क्या मैटर था? हाँ सर, हमारे परिवार में अभी तक कोई भी वैसे जॉब में नहीं लगा है, तो गाँव वाले दादाजी को बोलते थे, मतलब हमारे गांव में हमारे जो दादाजी का परिवार है उनको ऐसे बोलते हैं, मतलब मारवाड़ी भाषा में बड़ा वाला परिवार। बड़ा परिवार देखो, मतलब गांव का मोटा आदमी होते। हाँ, मतलब मेरे दादाजी पहले पूर्व सरपंच रह चुके हैं। तो फिर ऐसे बोलते थे बड़ा वाला परिवार, फिर गांव वाले बोल देते थे ऐसे कि ये मतलब पढ़ते वगैरह है नहीं, पता नहीं सीकर में क्या करते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। फिर दादाजी मतलब होली दिवाली को जब मिलते थे तो बोलते थे यार तुम कुछ तो करते नहीं हो, ऐसे नाम खराब में कर रहे हो बड़े परिवार का नाम खराब, और कहते सीकर में घूम के जाते हो। कैमरे की तरफ देख के बोले। हाँ, तब उनकी एक ख्वाहिश थी, मतलब जो शादी का कार्ड होता है तब उसमें नाम लिखा जाता है, तो नाम लिखा जाता है तो कोष्टक में वो शादी वाले लिख देते हैं, मतलब ऐसे वो क्या कर रहा है, क्या काम करता है, अध्यापक है, सैनिक है, कोई आर्मी है, डॉक्टर है। तब उन्होंने कहा मतलब मेरी तो एक ही ख्वाहिश है बस, वो शादी के नाम के आगे कोष्टक है ना वो भरना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है कि गाँव का मोजीज प्रजापत परिवार कातर छोटी का है, लेकिन परिवार में दयाशंकर बताता है लगभग लोग दुकान चलाते हैं, जॉब में नहीं है। इसलिए दादाजी की दिल्ली ख्वाहिश थी कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, और शादी ब्याह के कार्ड जब छपते हैं तो बच्चों के नाम के आगे कोष्टक में जॉब लगना जरूरी है। और बेटा दयाशंकर है वो दादाजी का पोता, कोष्टक में सिर्फ जॉब ही नहीं लिखा रहा है, MBBS लिखवाने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। रिजल्ट आने के बाद मैं तो उनके पास ही गया सीधा जी। मैंने कहा दादाजी आपका कोष्टक भर गया, आज मैंने भर दिया। कोष्टक भर दिया, बहुत अच्छा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मोटिवेटिंग आल्सो। तो नेक्स्ट राहुल चौधरी आप बताएं। पलसाना सीकर शहर के पास का ही कस्बा जहाँ से बहुत अच्छे बच्चे PCP के माध्यम से निकल रहे हैं, आप परिवार के एक्सपीरियंसेस बताएं। जब मैं नीट के एग्ज़ाम देके जब वापस आया तो मैं नंबर काउंट कर रहा था, तो मतलब मेरे पहले छोटा भाई ने सोच रखा था कि बाय तो ले ली थी उसने, लेकिन वह सोच रहा था कि 12th पास करके आया कोई डिफेंस में जाऊंगा और आर्मी ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन जब मैं नंबर वंबर जोड़े तो घर वाले बोले ये तो सिलेक्ट हो रहा है तू, तो बोला कि अब तुम्हें भी नीट की तैयारी करूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अक्सर मैं कहता हूँ कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है और राहुल चौधरी इसका एग्जाम्पल है कि राहुल ने जब नीट में एग्जाम देके फ्रेशर 641 मार्क्स जोड़े तो छोटा भाई जो पहले आर्मी की तैयारी की सोच रहा था उसने भी डिसीजन कर लिया कि नहीं मैं भी डॉक्टर बनूंगा और नीट की तैयारी करूंगा। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट संवाद को अपन शॉर्ट ही रखेंगे, आगे बढ़ाते हैं दयाशंकर की तरफ। छापर ताल के पास की कातर छोटी से, कातर छोटी की आपकी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, उसके बच्चे PCP में हर साल आते हैं। पहले भी बच्चे वहाँ से डॉक्टर बन चुके हैं। पूर्णाराम जी गोदारा की बेटी मनीषा गोदारा भी PCP के माध्यम से डॉक्टर बन चुकी है। बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से सक्सेस हुए हुए हैं। तो दयाशंकर आप अब PCP के अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं। PCP में तो मैं 11th में यहाँ पे आया था, फिर 11th पढ़ी, 12th पढ़ी, उसके बाद टारगेट कोर्स किया। PCP का माहौल तो एकदम झकास झकास। अरे वेरी गुड। झकास शब्द कहाँ कातर में बोलते हैं कि सिकर में बोलते हैं? कातर में बोलते हैं। कातर में बोलते हैं। कातर वाला झकास हो गया, बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन एकदम मस्त, और टेस्ट सीरीज तो मतलब ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी ऐसी। ये हमारा भी प्रयास है, जैसा दयाशंकर ठप्पा लगा रहा है 655 नंबर का स्कोर करके कि PCP की टेस्ट सीरीज का मुकाबला नहीं है। हमारा प्रयास है कि टेस्ट सीरीज JEE नीट दोनों के लिए बच्चों को फाइनल फिनिशिंग टच देने का सबसे बेहतरीन माध्यम होता है, और PCP में टेस्ट सीरीज को तैयार करने के लिए बहुत अच्छा R&D किया जाता है, रिसर्च डेवलपमेंट यूनिट की तरह उस पर काम किया जाता है, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में पेपर्स लिए जाते हैं ताकि बच्चे की तैयारी अच्छी हो सके। तो लास्ट क्वेश्चन राहुल चौधरी से। तो राहुल आप बताएं, फैमिली या PCP के कोई और एक्सपीरियंस आप शेयर करें। जब 10th पास आउट करने के बाद गांव से 5 लड़के हम सीकर आए थे, सबने कोचिंग अलग अलग कोचिंग देखी थी और फिर 5 ने अलग अलग कोचिंग में एडमिशन ले लिया। इसका मतलब आप 5 कोचिंगों के जज हो गए, 5 बच्चे। हाँ, 5 ने अलग अलग कोचिंग में एडमिशन ले लिया। अब वो 4 आज गांव में घूम रहे, उनमें से 2 की शादी हो गई, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वन रक्षक ऐसे उसे तैयारी करने लगे और अब मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 2 पूछ रहे हैं कि यार हमें बता कि कैसे पढ़े, हमारे 200-250 नंबर आ रहे हैं अभी भी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों के लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।